विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को आपका मैथ्स का फाइनल एग्जाम है, तो क्लास 10+1 मैथ्स के लिए फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सुपर फास्ट सीरीज स्टार्ट की है। इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और ठीक इसी तरह से पार्ट 2 में चैप्टर 9 से लेके और चैप्टर 16 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 8 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो चैप्टर 8 हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो जो पार्ट डिलीट हो चुका है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा लेक्चर। इसमें हमने 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आपका ज्यादातर सिलेबस है जो 10+1 मैथ्स का वो कवर हो जाएगा, और एक फास्ट रिवीजन भी आपकी सारे सिलेबस की हो जाएगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। सेट ए गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेट ए हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और हमें क्या करना है पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसके जितने भी सबसेट है उनका सेट। अब यहाँ पे देखो आप ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, हम बिल्कुल डिटेल में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, तो यहां हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट, तो इसके कितने सबसेट हो गए, फॉर्मूला है 2^n, यानी कि 2^3, यानी कि इसके 8 सबसेट होंगे, 2 × 2 × 2, तो 8 सबसेट होंगे। मेरे बच्चों ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। तो इसके टोटल सबसेट 8 होंगे। अब जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसके जितने भी सबसेट होंगे इसके सबसेट होंगे 8। देखो इसका सबसे छोटा सेट होगा एम्प्टी सेट, इसके बाद सिंगलटन सेट 1, फिर सिंगलटन सेट 2, फिर सिंगलटन सेट 3, फिर हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर हमने ले लिया 2 और 3, और फिर हमने ले लिया पूरा ही 1, 2, 3। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे सबसेट आ गए, इनको एक नए सेट में डाल देंगे। जब हम इसको एक नए सेट में डाल देंगे तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को हम पी ए से लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे नंबर ऑफ सबसेट भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक। तो यहां पे ग्रुप कितने का है, 70 का, 70 में से 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, और 52 टी पसंद करते हैं, और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक। 70 में से हर एक पर्सन दोनों में से किसी न किसी ड्रिंक को पसंद करता है, दोनों को भी कर सकता है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक को जरूर पसंद करता है। तो हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन, इसमें पूछा गया है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, एंड बोथ भी आ गया और एंड भी आया, तो यानी कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि लेट ए डेनोट द पर्संस हु लाइक्स, पहले देख लो क्या है, कॉफी। सिमिलरली एंड बी डेनोट द पर्संस
लाइक्स टी, हमने ये बता दिया। अब आप देखें यहां पे कि कॉफी कितने पसंद करते हैं, 37 एन ए, कॉफी के लिए हमने ए लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि 37 कॉफी पसंद करते हैं, तो एन ए की वैल्यू 37। टी कितने पसंद करते हैं, 52, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 52। अब ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, 70 के 70 में से कम एक ड्रिंक जरूर पी रहे, दोनों भी हो सकते हैं, टी और कॉफी दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास यूनियन है। इट मींस एन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 70। और हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है कि एन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो वैल्यूज है इसके अंदर पुट कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यूनियन 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 37, बी में 52, माइनस इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां से 70 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 8 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से इसको तो इधर ले जाते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 89 तो था ही यहां पे माइनस 70, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 19 पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, दोनों ही वो पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास गिवन है, सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, सेट बी हमारे पास है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4। राइट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की लिखनी है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसके थ्री पार्ट्स है, इसके थ्री पार्ट्स है। पहला तो पार्ट है कि हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, यहां से हम लिख लेते हैं कि गिवन सेट ए है हमारे पास 1 2 और सेट बी है हमारे पास 3 4। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 2 3 और 2 4, 2 3 2 4। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आ गए, एक पार्ट आ गया। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, दूसरा पार्ट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी भी सेट के सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2^n। अब इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसके सबसेट हो गए 2^4, यानी कि 16, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, बी पार्ट। अब इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी तो हमने निकाल रखा है, अब हम बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। अब बी क्रॉस ए में पहले बी का एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो 3 1 3 2 3 1 3 2, इसी तरह से 4 1 और 4 2। अब देखो पहले बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें भी 4 है, ए क्रॉस बी में भी और बी क्रॉस ए में भी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, दोनों में फोर है बट ए क्रॉस बी दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर वन थ्री है, इसके अंदर कहीं भी वन थ्री नहीं है। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के अंदर जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो अंदर के एलिमेंट है वो भी सेम हो। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन जो अंदर के एलिमेंट है वो तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर में फोर में कहा गया है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, आर हमारे पास गिवन है, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर है कैसे है वो एक्स एक्स प्लस फाइव सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो जो एक्स है इस सेट से बिलोंग करता है, तो हमें क्या करना है रिलेशन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो रिलेशन ही कैलकुलेट करते हैं। अब देखो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आर, अब देखो ये इसके अंदर है एक्स एक्स प्लस फाइव और एक्स की वैल्यू ये हो सकती है। अब देखो एक्स जब जीरो हुआ तो ये जीरो प्लस फाइव फाइव हो जाएगा, जब x 1 हुआ तो ये 1 प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा, जब x 2 हुआ तो ये 7 हो जाएगा, जब x 3 हुआ तो ये 8 हो जाएगा, जब x 4 हुआ तो ये 9 हो जाएगा, जब x 5 हुआ तो ये 10 हो जाएगा। बस इतना ही हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जा सकती है। 0 आ गया, 1 2 3 4 और 5 ये आ गया। अब आप इसको बड़ा करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि when x is equal to 0, x plus 5 that is equal to 0 plus 5 that is equal to 5, तो ये हमें एलिमेंट मिल जाएगा 0 के लिए 5। ठीक इसी तरह से when x is equal to 1, x plus 5 ये हो जाएगा 1 plus 5 यानी कि 6, यहां से एलिमेंट मिल जाएगा 1 6, तो 0 5 आ गया 1 6 आ गया। इस तरह से ये सारे आप लिख देंगे। अब इसके बाद डोमेन ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 और 5। इसके बाद है रेंज ऑफ आर, आर की रेंज में है हमारे पास 5 6 7, सेकंड एलिमेंट 8 9 और 10, तो ये हमारे पास इसके रेंज में एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन का रेसिप्रोकल यानी के कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब देखो साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, अब हमारे पास क्या होता है कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास कोस स्केयर एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, तो कोस स्केयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्केयर एक्स हो जाएगा 9/25, तो
कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले लिया 25, 25 माइनस 9 यानी कि 16 डिवाइड बाय 25, तो कोस एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16 डिवाइड बाय 25, तो कोस एक्स प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 बाय 5, लेकिन हम लेंगे कौन सी, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस अगर नेगेटिव होता है तो कोस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 5। तो यहां पे हम लिख देंगे रीजन बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से कोस एक्स हमें माइनस का 4 बाय 5 लेना पड़ा। ठीक है, अब देखो टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 डिवाइड बाय 5, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 4 डिवाइड बाय 5, 5 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस आगे लिख दिया ये 3 बाय 4, तो ये हमारे पास टेंजेंट एक्स की वैल्यू होगी। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब कोट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 3 बाय 4 का कितना आ जाएगा माइनस 4 बाय 3। ठीक इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास, तो कोसिकेंट एक्स, यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कोट एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि ये माइनस 4 बाय 3 हो गया। अब कोसिकेंट एक्स होता है 1 डिवाइड बाय साइन एक्स, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल करना है, साइन 3 बाय 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3। इसी तरह से सीकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो 1 डिवाइड बाय कोस एक्स, जो कोस का आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाता है हमारे पास। तो अब लिखते हैं हम साइन एक्स, तो हमारे पास था ही कितना 3 डिवाइड बाय 5, हमें एक तो निकालना था कोस एक्स, एक निकालना था टेंजेंट एक्स, एक निकालना था कोट एक्स, एक सीकेंट एक्स और एक कोसिकेंट एक्स, तो कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4 डिवाइड बाय 5, टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3 डिवाइड बाय 4, कोट एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 4 बाय 3, सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाय 4 और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइड बाय 3। तो ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे आ गए, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री पे, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले तो ये देखो आप कि अगर कोसिकेंट माइनस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट थीटा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोस में से और कोस के रेसिप्रोकल में से बाहर नहीं आता, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। अब इसको आप क्या करो, क्योंकि ये 360 से ज्यादा है तो इसको 360 से डिवाइड कर दो, पहले 4 पे करेंगे तो ये हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 3 पे करना पड़ेगा 108 033 और ये 0, तो ये आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट 360 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1080 तो ये हो गए, प्लस ये लिख लेते हैं प्लस 330 डिग्री, ये डिग्री में चला हुआ है काम। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन चक्कर के बाद तो पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो इसके बाद तो वहीं उसी जगह पे आ जाएंगे, तो इनको आप छोड़ दें। अब ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट 330 डिग्री, तो आप डिग्री लगा दें सबके साथ, लगा दें यहां पे लगा दें
यहाँ पे लगा दे, तो इसके साथ बाहर ही लगा दे यहाँ पे, और यहाँ पे 330 डिग्री। अब आप देखें कि 330 डिग्री इसको आप लिख सकते हो, माइनस को चल रहे तो साथ में ही कोसिकेंट 360 माइनस 30, दो तरीके आपको 270+ लिखे या 270+60 लिखे या 360 माइनस 30 लिखे। अब आप देखें कि 330 क्वाड्रेंट तो ये फोर्थ हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पे तो कोस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है, कोस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है, यानी कि कोसिकेंट तो यहां नेगेटिव होगा, तो अगर ये नेगेटिव होता है तो एक माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 360 के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, और ये कोसिकेंट 30। अब साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 आ जाएगा हमारे पास 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कोस 5x प्लस कोस 3x। सेवेंथ क्वेश्चन के लिए अब आप देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी, ये फॉर्मूले हमें चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी ये होगा 2 sin C + D डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 और कोस सी प्लस कोस डी ये होगा 2 cos C + D डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो ये जो फॉर्मूले है इस पे अप्लाई कर दिए, देखो क्या मिलेगा, 2 sin C है हमारा 5x + 3x डिवाइड बाई 2 और cos 5x - 3x डिवाइड बाय 2। इसी तरह से नीचे के लिए हम लिख देंगे, ये आ गया 2 cos 5x + 3x डिवाइड बाय 2 और cos 5x - 3x डिवाइड बाय 2। अब यहां से देखो 2 sin, अब यहां से देखो 5x + 3x 8x डिवाइड बाय 2 यानी कि 4x और cos 5x - 3x 2x डिवाइड बाय 2 यानी कि x। नीचे 2 cos 5x + 3x 8x डिवाइड बाय 2 यानी कि 4x और cos 5x - 3x 2x डिवाइड बाय 2 यानी कि cos x। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, साइन 4x / cos 4x इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 4x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था, टेंजेंट 4x के इक्वल हमें इसको प्रूव करना था, जो कि हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक्सप्रेस 3 + i√5 (3 - i√5) डिवाइड बाय √3 + √2i − √3 - i√2 इन द फॉर्म a + i/b। a + i/b की फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इसको जेड मान लेते हैं। अब आप देखें ऊपर तो आइडेंटिटी लगी a + b और a - b की आइडेंटिटी लगी, तो ये हो गया a² - b², तो यहां पे ये बन गया 3 का² - i√5 का² और यहां देखो बीच में माइनस का साइन है, तो इसको एज इट इज ब्रैकेट ओपन कर दो, √3 + √2i
माइनस रूट थ्री और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आईटा रूट टू। अब देखो थ्री का स्क्वायर तो यहां पे नाइन हो गया, माइनस ये पहले ही था, ये हो गया आईटा स्क्वायर और रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा फाइव, यानी कि फाइव आईटा स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, रूट टू आईटा और आईटा रूट टू एक ही तो बात है, यानी कि दोनों एक जैसे ही है, रूट टू आईटा रूट टू आईटा यानी कि टू रूट टू आईटा हो गया टू रूट टू आईटा। अब यहां पे देखो आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो नाइन माइनस फाइव इंटू माइनस वन डिवाइड बाय टू रूट टू आईटा। अब यहां से अगर हम इसको लिखें तो नाइन प्लस फाइव हो गया ये माइनस माइनस प्लस, और ये टू रूट टू आईटा ये आ गया फोर्टीन डिवाइड बाय टू रूट टू आईटा, यहां से हमारे पास ये आ गया सेवन डिवाइड बाय रूट टू आईटा। अब देखो हमें लिखना था इसको a प्लस आईटा b की फॉर्म में, आईटा को नीचे नहीं छोड़ना, और हम क्या करते हैं अगर नीचे रूट में टर्म हो तो रैशनलाइज कर देते हैं, इस आईटा के लिए तो करना ही था लेकिन ये रूट टू है इसके लिए भी कर देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं यहां पे भी रूट टू आईटा लगा देते हैं और यहां पे भी रूट टू आईटा। अब ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सेवन रूट टू आईटा और डिवाइड में रूट टू से टू और आईटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो सेवन रूट टू आईटा और ये टू इंटू माइनस वन, तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया ये सेवन रूट टू डिवाइड बाय माइनस टू, तो माइनस आगे लगा दिया और आईटा हमने यहां पे लिख दिया। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो हमें मिल गया माइनस सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू आईटा, जिसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ये आईटा लिखा यहां पे और बाकी का पार्ट इसके अंदर लिख दिया माइनस सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू। अब देखो ऐसी फॉर्म होगी ए प्लस आईटा बी की फॉर्म होगी, ए प्लस आईटा और बी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो बता सकते हो कि ए कैसा है, ए क्या है जीरो और बी की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू, इस तरह से आप कर सकते हो इसको, आप रूट टू से रैशनलाइज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईटा से जरूर करना पड़ेगा, आईटा नीचे नहीं छोड़ना, बेशक आप रूट टू इसको नीचे रहने देते, मान लो आप रूट टू नीचे ही छोड़ देते तो सेवन डिवाइड बाय रूट टू आईटा था ये, तो आईटा यहाँ पे और आईटा यहाँ पे, तो सेवन आईटा डिवाइड बाय रूट टू आईटा स्क्वायर हो जाता, तो ये सेवन आईटा डिवाइड बाय माइनस रूट टू हो जाता, तो बस ये ठीक है, बस माइनस सेवन डिवाइड बाय रूट टू आईटा, इसके आगे जीरो लगा दो, जेड इज इक्वल टू जीरो और ये प्लस इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो इसकी एक फॉर्म ये भी हो सकती थी, आप इस फॉर्म में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई जीरो और बी की वैल्यू कितनी आई माइनस सेवन डिवाइड बाय रूट टू माइनस, और यहां बी की वैल्यू कितनी आ रही है सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू, तो माइनस सेवन डिवाइड बाय रूट टू को जब आप रैशनलाइज करोगे माइनस सेवन बाय रूट टू को आप रूट टू और यहां पे भी रूट टू लगाओगे तो माइनस सेवन रूट टू डिवाइड बाय टू ही तो हो जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं, आप रूट टू से रैशनलाइज करो ना करो लेकिन आईटा के लिए जरूर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फोर माइनस थ्री आईटा, जेड हमारे पास गिवन है फोर माइनस थ्री आईटा और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये क्या होता है वन डिवाइड बाय जेड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वन डिवाइड बाय फोर माइनस थ्री आईटा, तो ये इसका आंसर आ गया, लेकिन एक समस्या है कि आईटा को नीचे नहीं छोड़ते हम, तो क्या करना पड़ेगा फोर प्लस थ्री आईटा और फोर प्लस थ्री आईटा रैशनलाइज, यहां पे फोर प्लस थ्री आईटा और यहां पे ए माइनस बी ए प्लस बी, फोर स्क्वायर माइनस थ्री आईटा का स्क्वायर, फोर प्लस थ्री आईटा
यहां से 16 हुआ, माइनस तो आगे लगा ही हुआ पहले ही, और ये 9 आइटा स्क्वायर, 4 प्लस 3 आइटा, ये 16 आइटा के स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखोगे तो माइनस 9 इंटू माइनस 1, तो 4 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 25, इसको लिख सकते हो 4 डिवाइड बाय 25 प्लस 3 डिवाइड बाय 25 आइटा, तो इस फॉर्म में ए प्लस आइटा बी या ए प्लस बी आइटा की फॉर्म में आ जाता है ये, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स भी हो सकता है, तो जैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 बाय जेड है, एडिटिव इनवर्स होता है माइनस जेड, उसमें तो कुछ ही नहीं करना, बिल्कुल साइन चेंज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सोल्व द इनइक्वालिटी 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है तो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसका जो एलसीएम बनता है 15 बनता है, तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से ये 9 हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू ये 25 हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, 50 माइनस 25x मल्टीप्लाई कर दिया, अब 9x प्लस 25x, 50 तो ये थे ही हमारे पास, प्लस के 18 हो गए, ये हो गया 34x इज लेस देन इक्वल टू 68, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 34, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ये 2 पे, 2 पे कैंसिल हो गया ना 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और ये एक्स कैसा है, रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक रियल नंबर है, तो इट मीन्स अगर आप इसको रियल लाइन में पे प्लॉट करें 0, 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, तो यहां पे x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 है क्योंकि इक्वल भी है तो इसको कर लेते हैं, x लेस है इधर वाला सारा, तो ये जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो हमेशा ओपन होता है, अब यहां इक्वल टू का भी साइन है तो इस साइड से ये क्लोज होगा, आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये आंसर लिखे ये भी ठीक है, और अगर साथ में ये रियल लाइन और बना दे तो बहुत अच्छा होगा, तो तीनों में से कोई सा भी आप काम कर सकते हो, इसको इसको बोलते हैं सॉल्यूशन को शो करना रियल लाइन पे, इसको हम बोलेंगे कि रियल लाइन पे हम सॉल्यूशन को शो करते हैं, इसको इस तरह से डार्क कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सोल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली, हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, यहां पे हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, एक तो इनक्वालिटी ये दी हुई है, एक है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, दूसरी इनक्वालिटी ये है, नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थर्ड, और फोर्थ है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 4। यहां से प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखोगे, अगर ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो आपका आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो भी फिजिबल रीजन होगा जो सब में कॉमन रीजन होगा वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट जैसे टेंथ क्लास में लिखते थे उसको इस तरह से लिख लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। अब हमें इसको प्लॉट करना है तो कोई भी दो पॉइंट चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 4y इज इक्वल टू 60, यहां से y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4,
15 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट मिल गया आपको 0 और 15। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3, तो ये 20 आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 0 20 लिख देते हैं, x तो 20 है, y 0 है, तो ये दो पॉइंट मिल गए हमें। ठीक इसी तरह से हमें इसके लिए चाहिए एक्स प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू लिख लेते हैं हम इसको 30। व्हेन x इज 0, y कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x इज 0, 3y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 10, तो पॉइंट मिल गया 0 और 10। और व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30, x आ जाएगा 30, तो पॉइंट मिल गया हमें 30 और 0। तो ये तो हमें पॉइंट मिल गया। अब हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो आप अगर इसको देखें, इसको अगर ध्यान से देखें, तो आपके पास जो स्केल लेंगे वो 10 का स्केल आप ले सकते हैं या 5 का भी स्केल आप ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 30 तक जा रही है, तो 5 का स्केल भी आप चाहे तो ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहां पे 5, 10, 15, 20, 25 और 30, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ओरिजिन, -5, -10, -15, -20, -25, -5, -10, -15, -20, -25। आगे तक लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो फर्स्ट 0 और 15, ये रहा हमारे एक्स 0 वाई 15, एक्स 20 वाई 0, ये आ गया हमारे पास। इसको मिला, इसको मिलाने के बाद आप इस पे 1 लिखते, ये 1 के लिए है हमारे पास। अब इसका मीनिंग था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि स्ट्रेंगल, इस ट्रेंगल ये जो हमने प्लॉट की है, जो ये जो लाइन है, या तो इससे नीचे वाला रीजन होगा या इससे ऊपर वाला रीजन होगा, दोनों में से कोई सा एक होगा। अब इसको चेक करते हैं, चेकिंग 4 0 0 ओरिजिन के लिए, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो कोई भी पॉइंट पुट कर दें, अगर उस पॉइंट के लिए ट्रू है तो उसकी तरफ, नहीं तो दूसरी तरफ। अब 0 0 इसके अंदर पुट कर दो, इन इक्वेशन के अंदर 3 × 0 + 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ट्रू अगेन। तो इसका जो ग्राफ होगा 0 0 को कंटेन करेगा, सो लिख सकते हो आप कि ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन कंटेन ओरिजिन या फिर 0 0, यानी कि 0 0 की तरफ होगा, 0 0 की तरफ होगा तो नीचे की तरफ होगा, ये आ गया। ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया। अब आप देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था, लेकिन ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब इसमें से और कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि तो जितनी ज्यादा कंडीशन होगी उतना ही कम होगा। अब इसको प्लॉट करो, एक्स 0 वाई 10, ये रहा एक्स 0 वाई 10 और एक्स 30 वाई 0, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको बना, हम 2 लिख देते हैं। अब इस 2 के लिए चेक करो, चेकिंग 4 0 0, रख दे उसमें 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, तो ये भी ट्रू आया, यानी कि ये भी 0 0 को कंटेन करेगा। 0 0 को अगर ये कंटेन करेगा तो इसका ग्राफ भी 0 0 की तरफ बनेगा। अब देखो पहले ये ट्रायंगल थी, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन कट गया, तो ये हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, इसको फिजिबल बोलते हैं, फिजिबल रीजन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हमारे पास आ जाता है।
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कंप्यूट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनमें से जो बड़ा उसको छोटा कर ले, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये 6 फैक्टोरियल और ये 2 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो 4 की और 7 के साथ करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 टू 9। तो डिजिट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। रिपीट करते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 टू 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है तो एक डिजिट ले लेंगे तो अगला जो डिजिट होगा, अब देखो 3 डिजिट हमें नंबर फॉर्म करना है। अब आप देखिए और कोई कंडीशन नहीं है, बस डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वे से फिल किया जा सकता है, यूनिट प्लेस में से इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, बाय 9 वेज। अब अगर यहां पे कोई भी डिजिट आ गया वो रिपीट नहीं करना, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं करना, तो यहां पर हम लिखेंगे कि टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अब एक डिजिट आ गया उसको तो छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे 8 वेज। नेक्स्ट हंड्रेड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अब 2 कम हो गए तो 7 वेज। तो टोटल 3 डिजिट numbers that can be formed without repeating the digit। Digits are equal to क्या 9 multiplied by 8 multiplied by 7। तो यहां से इसके साथ करेंगे तो 72 हो जाएगा और फिर करेंगे तो ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 49 और ये 50। तो इतने 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। अब देखो आप इधर से स्टार्ट कर ले, इधर से ये पोजीशन 9 वे से, अगली 8 वे से, अगली 7 वे से, या इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 9 वे से, ये 8 से और ये 7 से, तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। और अगर वो कह दे कि डिजिट कैन रिपीट, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस सभी जगह पे 9 आ सकते हैं क्योंकि ये रिपीट कर सकते थे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेगा करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा अगर वो कहे कि डिजिट कैन रिपीट। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि NC8 दैट इज इक्वल टू NC2
फाइंड NC3। NC3 तो हम तब फाइंड करेंगे ना जब हमारे पास N की वैल्यू होगी। अब देखो हमें पता है कि NCP इज इक्वल टू NCQ। अगर NCP और NCQ इक्वल है, दिस इंप्लाइज या तो आइदर P इज इक्वल टू Q और N इज इक्वल टू P+Q। ये दो कंडीशन होती है। अगर NCP NCQ के इक्वल है तो या तो P और Q इक्वल होंगे या N की वैल्यू इन दोनों के प्लस के इक्वल होंगे। अब NC8 NC2 के इक्वल है, 8 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते, यानी कि N की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू आ जाएगी 8+2 यानी कि 10। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ N। अब हमें NC3 निकालना था, यानी कि 10C3 निकालना। फॉर्मूला लगा दो, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 7 फैक्टोरियल। 10, 9, 8 और ये 7 फैक्टोरियल लिखा, इसको 3, 2 और 1 लिखा और ये 7 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल। इसके साथ ये कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल किया और ये 4, 12, 10 से करेंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इस जैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर। हमें सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स। अब आगे इसकी कंडीशन बता रखी है कि कैसे सिलेक्ट करनी है। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, इन 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर है वो बॉलर है, इसका मतलब 12 बैट्समैन है, 17 में से 5 बॉलर है तो 12 बैट्समैन है। इन विच 5 प्लेयर कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, और 11 में भी 4 बॉलर चाहिए। इट मींस हमें 4 तो बॉलर चाहिए और टोटल 11 है तो 7 बैट्समैन चाहिए। 4 बॉलर कितने में चाहिए, 5 में से, और 7 बैट्समैन कितने में चाहिए, 12 में से। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो हमें प्लेयर सिलेक्ट करने हैं ना, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। 4 बॉलर 5 में से 5C4 इंटू 7 बैट्समैन 12 में से 12C7। अब चेक कर लो प्लेयर कितने में से लेने थे, 17 में से, तो 5 और 12 17 पूरे हो गए, और कितने लेने थे 11, 4 और 7 11 भी पूरे हो गए। बॉलर 5 थे और लेने 4 थे, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5-4 यानी के 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12-7 यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल का तो 5×4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू 12 फैक्टोरियल का 12, 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, और इसको 5, 4, 3, 2 और 1 लिख दिया। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया,
सेवन फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, एक फाइव भी है यहाँ पे इस फाइव के साथ कैंसिल कर लेते हैं, फोर और थ्री से ट्वेल्व बनेगा, ये ट्वेल्व इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, ये टू इसके साथ करेंगे तो फोर आ जाएगा, अब नाइन की और फोर के साथ करेंगे तो थर्टी सिक्स हो जाएगा, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स की इलेवन के साथ करेंगे ये सिक्स नाइन थ्री ये हो जाएगा, और टेन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा थ्री नाइन सिक्स जीरो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीके से हम टीम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से लेके एट चैप्टर तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमने एक फास्ट रिविजन यहाँ पे की है। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि चैप्टर फोर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और चैप्टर एट बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम, वो आपके सिलेबस से पूरे के दोनों ही चैप्टर पूरे कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, इसमें से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने चैप्टर फोर में से और चैप्टर एट में से यहाँ पे कुछ नहीं लिया है। तो प्यारे बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ एक वीडियो हमने पूरे सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाया हुआ है, आप उसकी भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, इससे आपको आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। हम अपने अगले वीडियो में चैप्टर 9 से लेके और चैप्टर 16 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।